गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बैंकिंग सब्जेक्ट पढ़ाया था, आज से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीओ सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। बच्चों, बीओ में आपकी बुक बालाजी पब्लिकेशन की चलेगी, ये बुक है। फिर ये उसकी इंडेक्स है, इंडेक्स में टोटल 23 चैप्टर दिए हुए हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता, कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें यह दिया है इंट्रोडक्शन। वाणिज्य एवं सभ्यता का अटूट संबंध है। इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि वाणिज्य के विकास के साथ सभ्यता का विकास हुआ तथा सभ्यता के विकास ने वाणिज्य के विकास को गति प्रदान की है। आदिकाल में जबकि मानव अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर होकर कर लिया करता था, व्यापार ने जन्म नहीं लिया था, किंतु सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में उसकी आत्मनिर्भरता की अवस्था को निर्भर बना दिया एवं व्यक्ति अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगा, अर्थात निर्भरता की अवस्था ने ही विनिमय का रूप धारण कर लिया। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों के सहारे पूरा करने लगा तथा वही दूसरों की आवश्यकताओं को वह स्वयं पूरा करने में सहयोग देने लगा। सभ्यता की बढ़ती अवस्था ने मानवीय आवश्यकताओं को बढ़ाया एवं इस बढ़ती आवश्यकताओं के कारण समाज में नित नए नए आविष्कार हुए, जिसका परिणाम यह है कि व्यापार में औद्योगिक क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई। वाणिज्य एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यापार एवं उसकी सहायक क्रियाएं शामिल की जाती हैं। व्यापार क्रय विक्रय की वह क्रिया है जो लाभार्जन की दृष्टि से किया जाता है तथा जिसमें सेवा भाव भी निहित होती है, जबकि व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत परिवहन, संदेश वाहन, बैंक, बीमा, डाक व तार विभाग की क्रियाएं आदि सभी को शामिल किया जाता है, जिनके बिना व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण करना संभव नहीं है। सभ्यता व्यक्ति की उस अवस्था का द्योतक है जिसमें रहकर वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदेह आवश्यकताएं एवं विलासितापूर्वक आवश्यकताएं। इनके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान के साथ भौतिक सुख सुविधाएं जैसे टीवी, फ्रिज, एयर कूल साधन, परिवहन के आधुनिक साधन जैसे कार आदि वस्तुओं का उपभोग शामिल किया जाता है। बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता का क्या संबंध है। प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य का आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। वस्तुओं के क्रय विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को ही वाणिज्य कहा जाता था। इसी प्रकार जो व्यापार, वाणिज्य और दोनों का अर्थ एक ही था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगी और फिर वाणिज्य क्या होगा, केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि क्रय विक्रय को पूरा करने और उसको सुगम बनाने के लिए जो जो क्रियाएं की गईं और क्रय विक्रय का जो क्षेत्र बनने में आवश्यक हो गई थी, जो क्रियाएं वो सब वाणिज्य में शामिल कर ली गईं। वर्तमान युग में क्या होता है, वाणिज्यिक विकास को ही आधुनिक सभ्यता का पर्यायवाची माना जाता है। व्यवसाय के विभिन्न अंग हैं जैसे व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष सेवाएँ, ये सब आधुनिक सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार जो भी उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं जो विनिमय की समस्त बाधाओं को दूर करने से संबंधित सारी क्रियाएं करते हैं, उन सब को वाणिज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यापार अर्थात क्रय विक्रय या क्रय विक्रय की बाधाओं को दूर करने और उसे सुगम बनाने वाली जो भी क्रियाएं हैं जैसे परिवहन, भंडार सेवा, बीमा एवं बैंकिंग आदि, सब वाणिज्य के अंग हैं। वाणिज्य व्यवसाय का मतलब वो अंग हो गया है जो व्यक्ति, स्थान, जोखिम, समय, वित्त और ज्ञान संबंधी सभी बाधाओं को दूर करके उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास से वाणिज्य के विकास को गति प्राप्त होती है और वाणिज्य के विकास से सभ्यता का विकास होता है। वाणिज्य सभ्यता एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक एवं सहायक हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आती है, वाणिज्य के विकास के क्रमागत अवस्थाएँ, यानी कि वाणिज्य का विकास किन किन अवस्थाओं में हुआ है। इन अवस्थाओं को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। पहला है आखेट युग, दूसरा है पशुपालन युग, तीसरा है कृषि युग, चौथा है हस्तशिल्प युग, पांचवा है गृह उद्योग युग तथा छठा है वर्तमान औद्योगिक युग। इसके बाद हमारा फर्स्ट हेडिंग होगी आखेट युग, जिसे हम आपके साथ नेक्स्ट
लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।